मतलब यू हैव टू हैव हिम अराउंड, कुछ भी सिचुएशन हो, मैच हारे हो जीते हो, हारे हो तो यू हैव टू हैव हिम। तो भाई भी अलग है, जैसे सिग्नल बाउंस होता है वैसे उसका टॉपिक बाउंस होता है, और कहीं से भी किसी भी चीज में से कॉन्वर्सेशन बना सकते हो। अचानक से ले जाएगा, भैया आपको याद है न्यूजीलैंड में ऐसा हुआ था। अच्छा खेलता था, उसको खिला लिया तो बोलिंग आ गई, तो मैंने उसको बॉल पकड़ी, मैं कैप्टन था। मैंने कहाँ से, कह रहा भैया ना जाओगे। मैंने बोला फिर बोला इधर आ, मेरे को बॉलिंग कहाँ से डालेगा। कह रहा भैया ना जाओगे, वो इतना बोला था। उसको समझ ही नहीं आई कि मैं एंड बोल रहा हूँ। On the finals and the stadium start, it was like 10 or 15, 20 runs needed on the finals and the stadium started to chant Vande Mataram. Don't think about the result. It's a result that puts pressure on us. I think the soldier's life is much more difficult than a yo-yo test. ओ, चलो चलो आ गया यार, बैग उठाओ, चलो निकलो, खड़ा बाहर निकला। फिर नीचे जब पहुंच रहा हूँ, अरे भाई आईपैड कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। अभी मैंने क्या किया पता है, टीम में मैंने एक को बोल के रखा है कि मुझे बार बार जब भी मैं फ्लाइट से बाहर हूँ मुझे याद दिलाना। कह रहा माही, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी या भाई, तेरे को जो बोलना बोल दे। मैं कहा ठीक है सर। कह रहा तू चला जा, तेरे से नहीं होगा। मैं कहा ठीक है भैया। फिर अभी वो लाइक रोहित भी आया, इज अ लेजेंड एंड ऑल, बट व्हेन इज विद अस, आपको लगता है आपका दोस्ती है? या हमारे इंडियन स्टाइल से खाना खाना है तो ऑब्वियसली राइट हैंड से खाओ। वही अगर इंडियन खाना ही मुझे चम्मच दो तो मैं लेफ्ट हैंड से खाऊंगा। मुझे राइट हैंड से फिर नहीं जमता। लिखना है तो फिर लेफ्ट हैंड से। सो यू कैन आल्सो ईट चावल एंड दाल टुगेदर। हां नहीं, आई मीन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली। लाइक गारफील्ड, आई हैव नेवर ट्राइड दैट बट आई विल श्योरली ट्राई दैट नाउ। मगर मेरा वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है।